ooh वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और अब हम दो ना शामिल किए जाएंगे और ख्वाबों की ताबीर के बारे में सवाल जवाब और ख्वाब जिनकी ताबीर हम बता सकेंगे वो शामिल किए जाएंगे मेहमान स्टूडियोस में मौजूद हैं उमर शफकत साहब इनको वेलकम करेंगे उमर साहब असल खैरियत से हैं अल्हमल् अभी आप बाहर से मौसम कैसा है मौसम आज धूप कम है बादल ज्यादा है लग रहा है कि बारिश हो जाएगी ठीक है और इनके साथ मौजूद हैं जी हाशिम यजमानी साहब फ़ाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं अरसा नौ साल तक मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पढ़ने और चार साल तक वहाँ पढ़ाने की सदत इनको हासिल रही है तीन साल तक मस्जिद नबी में रोज़ रसूल सल्ला वसलम और रियाजुल जन्ना जैसे मकाम पर ख़िदमत का शर्फ पी इन को हासिल रहा है इनको भी वेलकम करेंगे सर अलक्ति वालक वरह खैरियत से सर अलहमदुल्लह माशा अभी पहले चलते हैं उमर साहब की जी फिर उसके बाद हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे खाबूल उमर साहब क्या 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 सुना रहे हैं आप वसल्लम प्लीज सुनाइए खुद तेरा शुक्रिया तूने मुझको मुहम्मद की उम्मत में पैदा किया है खुदाया तेरा शुक्रिया तूने मुझको मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया है मुझे क्या पता था कहीं गुमशुदा था मुझ पे ये तूने कर्म करम कर दिया है मुझे क्या पता था कहीं गुमशुदा था मुझ पे ये तूने कर्म करम कर दिया है और खुदाया तेरे घर के चक्कर कर लगाओ ये ख्वाहिश है के रोज़े पे जाओ खुदा या तेरे घर के चक्कर कर लगाओ ये ख्वाहिश के केरो तड़प है तमन्ना यही आारजू है गुनागार बंदे कि ये इल्तिजा है तड़प है, है तमन्ना यही आरज़ू है गुनागार बंद है और खुदा के सभी अम्बिया बे मिसल हैं वो सब अपने अदवार में बेबदल हैं खुदा के सभी अम्बिया बे मिसल वो सब अपने अदवार में बेबदल हैं मगर मेरे आका जो सरदार कुल है बड़ा है जो उनसे तो रब ही बड़ा है मगर मेरे आका जो सरदार कुल है बड़ा है जो उनसे तो रब ही बड़ा है आखिरी शेर बहुत ही खूबसूरत है कि खुदा से जो मांगे वो मिलता है लेकिन वो बिन मांगे दे कितना मजा है देशा, 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 देशा। खुदा देशा। से जो मांगे वो मिलता है लेकिन वो बिन मांगे दे दे तो कितना मजा है मुझे उसने राहबर मोहम्मद दिए मुझे उस ने राह मोहम्मद दिए हैं ये उसकी आता है जो बेइन है मुझे उस ने राह मोहम्मद दिए है ये उसकी अता है जो बे तरह है।, है।, है खुदा से जो मांगे वो मिलता है लेकिन वो बिन मोहम्मद दिए हैं ये उसकी याता है जो बे इंतहा है खुदाया तेरा शुक्र रिया तूने मुझको मोहम्मद की उम्मत में पैदा, पैदा किया है, है। ना शार, ना शार, ना मुझे ना क्या पता था कहीं गुम शुदा था ये तूने करम कर दिया है अला हुए। अला हुए। ये कर्म नहीं तो फिर क्या है माशाल्लाह मैं कहाँ गुमशुदा था मुझे क्या पता क्या बात ये कर्म के सिलसिले बेशक माशाल्लाह सुबह अल्लाह बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला आपको जजाय खैर अता फरमाए बहुत खूबसूरत लिखा किसने है ये ये इनका मुझे नाम मालूम नहीं है जिन्होंने भी लिखा है जी <laughs> जिसने भी लिखा है क्या खूब लिखा है और मेरी तरफ से तो उनको मुबारकबाद है कि किस इंतहा पे जाके ईमान के किस जज्बे पे जाके किस मोहब्बत के जज्बे पे जाके उन्हें लिख दिया है अल्लाह उनको भी इसकी जजा अता फरमाए आपको भी जजा अता फरमाए बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा हाशिम साहब की जानब चलते हैं सर इस कैफियत के बाद अब हम काम क्या करेंगे भला Allah. क्या बात करेंगे फिलहाल लिखने वाले ने जो लिखा है ना दरअसल उसके पेश नज़र यही बात होगी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि तुम जहन्नम के गढ़े के किनारे पर पहुंच चुके थे अल्लाह अकबर तुम्हारे आमाल ऐसे थे कि तुम बिल्कुल जहन्नम में गिरने ही वाले थे फिर अल्लाह को तुम पे तरस आया फिर उसने आखिरी नबी को भेजा माशा अन कम मिनहा तुम जहन्नम में गिर रहे थे उसने पकड़ा जहन्नम से वापस ले आया माशा तो ये है हम गुम थे और उस गुम वाली गुमराही वाली ज़िंदगी में जहन्नम के किनारे पे पहुंच चुके थे लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब हज़रत अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बचा लिया तो इंसान जब यही सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह ताली का इंसान जब कभी तन में सोचे कि खुदान खास अगर हम मुसलमान ना होते अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई के लिए ना आते या अगर हम कबूल ना कर पाते तो ख़ुदान खासा अंजाम क्या होता इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में भी किसी काफिर को किसी दुश्मन को मार कर कतल करके इतनी खुशी नहीं होती जितना उसके कलमा कर पढ़ रहने पर ख़ुशी होती थी को हो और सैदना आली से फ़रमाया था कि अली एक बंदा तेरी दावत पर अगर मुसलमान हो जाए एक बंदा तेरी दावत देने पर मुझे मान ले यानी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को अल्लाह अल्ला का आखिरी अल्ला नबी मान ले और दीन इस्लाम को कबूल कर ले मारना नहीं उसको बल्कि उसको इस्लाम की तरफ़ लाना है अगर वो मुझे मान गया खैरकम फरमाया तुझे सुरख ऊँटों की दौलत मिल जाए वो सब एक तरफ लेकिन एक बंदा तेरे कहने पर मुझे मान ले वो एक तरफ Allah 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 से लिया अल्लाह ताला ने, Allah Allah ने। Allah 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 आप वो यहूदी बच्चा जो था जो ख़िदमत गुजार भी था वो बीमार पड़ गया आप सल्यार 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 उसके पास गए तीमारदारी के लिए अब देखा कि इसकी हालत तो बड़ी गैर है और शायद आखिरी कैफियात हैं तो ने उसको इस्लाम की दावत दी पहले भी देते थे लेकिन कबूल नहीं किया तो वो ऐसे ना अपने बाप की तरफ़ देख रहा है बाप भी मौजूद है क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम की दावत दे रहे हैं तो उसने कहा मेरी तरफ़ क्या देखते हो अत कासिम अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो उसने कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ उसकी रूह निकली अल्लाह के पास पहुँच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि खुश हुए कि अल्लाह ने इस कलमे की बदौलत उसे जहन्नम से बचा लिया तो ये जहनम से बचाओ और आज़ादी है जो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है हमें हमारे पिर मुर्शद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम की आमद पर और आप सल्लम की बेसद पर अरे सर जब आप गुफ्तु कह रहे थे ना और आपसे जब भी मुलाकात होती है ऑफ़ द रिकॉर्ड भी है ऑन द रिकॉर्ड तो मैं कह ही रहा हूँ मुझे आप पे रश्क जब आता है और वो रोज़ा रसूल पर आप रहे वहाँ पर आप ख़दमत सर अंजाम देते रहे वहाँ पर आपकी हाजिरियाँ रही वहाँ पर तो वो तो फिर एक मामला ही अलग है ना आपकी गुफ्तु का आपका वहाँ रहना वहाँ पर तो मामला ही अलग है जब आदमी वहाँ बैठ के मस्जिद नबी में आप के घरों के करीब के वो घर जो थे वहाँ बैठ कर जब सोचता है ना अल्लाह कि Allah ये वो हस्ती है जिनके यहाँ पर घर थे जिनकी बदौलत अल्लाह तला ने हमें जहन्नम से बचाया जिनकी बदौलत अल्लाह ताली ने जन्नत के दरवाज़े बल्कि जन्नत का दरवाज़ा तो खुलेगा ही आप की दस्तक क़यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने वाले ही नबी करीम हैं तो हमारे लिए जहन्नम का दरवाज़ा बंद भी उन्हीं की बदौलत हुआ जन्नत का दरवाज़ा खुला भी उन्हीं की बदौलत तो हमारा सब कुछ हमारी मोहब्बत वो आप ही के लिए तो है ये जो हम इन जन्नत इन्शाला में लेकर जाएगी तो इन तो इस मोहब्बत की कर्जी डाल दें हम सारी टीम चले जी अल्लाह जैसा कि ये मदीने मक्के की बातें कर रहे थे तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी टीम को इसी तरह लेकर जाए और वहाँ से हम प्रोग्राम करें जैसा की आप अक्सर कहते हैं इन अल्लाह तबूल फरमाएगा सर जिम्मेदारी अब कुछ निभाने की कोशिश करते हैं सवाल पूछा गया है कि बुरा ख़्वाब आने पर क्या करना चाहिए ताकि डर और उस ख़्वाब का बुरा असर झायल हो जाए अगर बुरा ख़्वाब आ जाए इंसान को तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी एक ड्रौनी कैफियत होती है बसा अवत इंसान बुरा ख़्वाब आने पर जब बेदार होता है तो उस ख़्वाब के असरात हक़ीक़ी ज़िंदगी में उसे महसूस होते हैं ख्वाब के अंदर उसके पीछे कुत्ता लगा हुआ है वो भागा जा रहा है और जब उठता है तो वो टांगों के अंदर दर्द महसूस करता है हकीकत हकीकत महसूस करता है यानी ऐसा महसूस करता है ख़्वाब के अंदर उसको कोई मार रहा है और वो ख्वाब में रो रहा है तो इस तरह डरते हुए जब वो उठता है तो देखता है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उसका हकीकी ज़िंदगी पर असर होता है तो जब बुरा ख्वाब आता है तो इंसान को चंद काम करने चाहिए जो कि नबी करीम हिदायत है जी तो ने फ़रमाया कि जब कोई बुरा ख़्वाब देखे फल यज बिल्ला जो कुछ उसने बुरा देखा है उससे अल्लाह की पनाह मांगे ये शैतान की तरफ से आया है तो वो शैतान से पना मांगे कि या अल्लाह मुझे शैतान से पना दे दे और फरमायादिल्ला शैतान रजीम पढ़ के अपनी बाई तरफ तीन दफ़ा थू, 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 इस तरह थूक दे धुतकार दे जी। जी। थूकना नहीं है ज़ाहिर है धुतकारना है और फिर फरमाया कि कुछ भी जो कुछ उसने बुरा देखा है किसी को बताए नहीं बताए नहीं तो इन उसको नुकसान नहीं होगा ठीक है और फिर एक और फरमाया कि जिस करवट पे वो लेटा हुआ है करवट तब्दील कर ले गोया के आऊदबिल्ल हमन रजीम पढ़ के लेफ्ट साइड पे उसने तीन दफ़ा धुत करना है और जिस करवट पे लेटा हुआ है करवट उसने तब्दील कर लेनी अपना पहलू तब्दील कर लेना अगर दाएं तरफ तरफ तर्व पे लेटा हुआ है तो बाई तरफ चला जाए और बाई पे है तो दाएं पे आ जाए और एक दूसरी रिवायत में आता है कि वलीकुम उसके बाद उठे वज़ू करे दो रकत नमाज पढ़े उसको इन शाला नुकसान नहीं होगा इसका ठीक है थीक और एक हज़रत ख़ालद बिन वलीद रदी अल्लाह तन के बारे में आता है जी कि वो आप के पास आए और आकर अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल् मुझे ना डर बहुत लगता है रात को। जी तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं ख्वाब आते हैं अजीब वरीब डर लगता है तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू बिस्तर, बिस्तर, बिस्तर पे लेटने लगे सोने से पहले ये ख्वाब डरावना आने के बाद नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर फरमाया जब तू सोने लगे ना तो उस वक़्त तू ये दुआ पढ़ लिया कर वो दुआ क्या है आऊध हो बिकली मात मिन गज़ा व शर इबाद ही व ममिन मज़ात इसका मतलब ये है कि या मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ तेरे गुस्से से भी तेरी सज़ा से भी और तेरे बंदों के शर से भी और शैतानी हथकंडों शैतानी चालों से भी और ये कि शैतान आकर मुझे वरगलाएँ इन तुमाम चीज़ों से मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ तेरे सप्रद करता हूँ ठीक है तो फरमाए ये रात पढ़ के सोया करो अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह फरमाती हैं कि अभी चंद ही दिन गुजरे थे जी हजरत खालिद बिन वलीद दोबारा आए और आकर अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल ये जुमले मैंने सिर्फ तीन ही दफ़ा पढ़े थे वो सारा डर वह सारा खौफ सब कुछ खत्म हो गया तो ये अल्फाज याद कर लें तो जब कभी डर लगे बल्कि रात को सोने से पहले बावजू होकर सोए रात को तीनों कुल आखिरी वो पढ़ के सोएं और आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं आयतल कुर्सी ऐसा एक हिसार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने, ने। फ़रमाया कि जब आदमी आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला उसके बिल्कुल पहलू में खड़ा कर देता है और वो उसके साथ ही रात गुजारता है और क्या करता है सुबह तक तलु फजर तक उसकी हिफाजत करता है शैतान उसको कुछ नहीं कह सकता ठीक है तो ये है बुरा ख़्वाब जब आए जी तो ये वाली दुआ पढ़े रात को सोने से पहले बावजू होकर सोए रात के अजगार करके सोए ऐत कुर्सी पढ़ के सोए और अगर कभी बुरा ख्वाब आ जाए तो ये वाली दुआ वो पढ़ ले इंशाल्लाह उसको नुकसान नहीं होगा ठीक है अच्छा वैसे जो क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया था लेकिन चूंकि रिलेट कर गया ख़्वाब में कुत्ते के देखने के वाले से मैं चाहूँगा इसको भी आप साथ ही रिलेट कर लें कि ख़्वाब में कुत्ता देखने का मतलब क्या होगा ये मैंने अर्ज़ किया था ना कि कुत्ता अगर ख्वाब में देखे और वो पीछे भाग रहा है वो डरना एक ऐसी बात है जी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता देखने का मतलब यही हो कि वो बुरा ख़्वाब ही है अच्छा कुत्ता अगर वो ख्वाब में आपने देखा है बल्कि इतफाक़ देखें आज सुबह ही मैं एक बंदे को ख्वाब की तबीर बता रहा था अच्छा आ, उन्होंने कहा कि हमारे सामने घर में एक कुत्ता है पुराना था यानी पहले का और मैं उससे बहुत डरता था अब वो कुत्ता नहीं है कहते है, रात ख़्वाब में मैंने वही कुत्ता देखा जो कि अब जा चुका है और वो घर की खातून कहती है कि ये मुझे कोई सामान ला दो बाज़ार से और ये कुत्ता भी साथ लेते जाओ उसने कहा ये कुत्ता तो जिससे मैं बचपन से डरता आ रहा हूँ ये मैं कैसे पकड़ूँ सर कहा मैं नहीं पकड़ता तो खातून ने कहा आप कुत्ता ले जाएँ साथ तो आप जो है ना वो वो कहते हैं कि उसके कहने पर मैंने वो कुत्ते की जंजीर पकड़ी जी और वो कुत्ता जिससे मैं डरता था वो कुत्ता एक दफ़ा उछला मेरी तरफ़ लेकिन फिर उसने काटा नहीं बल्कि मानूस हो गया और मेरे साथ, साथ चलने लगा अब वो कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ कि वो कुत्ता जिससे मैं इतना डरता था वो जंजीर पकड़ी मैंने मेरे साथ चल अच्छा मैंने अभी वो दोनों मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं मुझे मालूम था कि वो कारोबारी शख्सियत हैं अच्छा मैंने कहा कि कोई आप बहुत वक्त से ज़माने से आपके जहन में कोई स्कीम चल रही है कोई कारोबार के हवाले से शायद आप उससे डर रहे हैं कि मैं शुरू करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फिर शायद आप किसी के मशवरे पर शुरू करेंगे या अगर नहीं किया तो कर दें उसने कहा ये कैसे मैंने कहा वो कुत्ता जिससे आप डर रहे थे वो कुत्ता आपके साथ मानूस हो गया उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, जी तो बिल्कुल आप वो जिस डर से आप खौफ में मुबतला हैं वो खौफ आपका मगलूब हो गया है वो ख़त्म हो चुका है उसने कहा बिल्कुल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने शुरू करना था डर रहा था लेकिन अल्लाह का नाम लेकर मैंने शुरू कर दिया है मैंने कहा बस वो जो डर था ना नुकसान का वो अलहमदिल्ला ख़त्म हो चुका है तो ज़रूरी नहीं कि कुत्ता देखें तो वो डर ही वाली बात होती थीक है बल्कि गोया कि आप किसी दुश्मन को मगलूब भी कर रहे हैं जी जो आपके मुखालिफ है उसको आप मगलूब कर रहे हैं तो ये कुत्ता अच्छा है तो ये जानवर अजीब सा ही लेकिन सबसे ज़्यादा जब वफादारी की बात होती है तो किसका नाम लिया जाता है कुत्ते का कुत्ते का जिस किया का जाता, जाता है आप एक नवाला उसको देते हैं वो पूरा पूरा दिन आपके दरवाज़े पर गुजार देता है वो पूरा जहां आप जाते हैं वो आपके पीछे चल रहा है तो वफ़ादारी के अंदर कुत्ता जो है वो बेमिसाल है तो जब कभी कुत्ता आपको नुकसान ना पहुंचाए आपके पीछे पीछे चल रहा है जी। आपके आगे चल रहा है नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो गोया के आप यानि अगर ख़ातून ख़ास तौर तो पर ये देखें तो इसका मतलब ये है कि कोई उसका भाई है जो उसको हिसार में लिए हुए है कोई उसका और अगर वो गैर शादीशुदा है जी। इसका मतलब यह है कि उसकी शादी किसी ऐसे फ़र्द से होने वाली है जो उसका वफ़ादार होगा जो उसकी हिफाजत करेगा तो ये ख्वाब जो है ना वो कोई बुरा नहीं होता हाँ अगर कुत्ते ने काट लिया है अगर कुत्ते ने नुकसान पहुँचा लिया है और वो काले रंग का फिर तो एक इंसान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे वैसे देख कर जो है ना वो परेशान नहीं है ठीक है सर आगे पूछा गया मुर्दा अगर ख़्वाब में ज़िंदा नज़र आए ये कहे कि मैं तो ज़िंदा था तुमने मुझे यूँ ही दफन कर दिया कई दफ़ा होता है कि मुर्दा आकर कहता है ख़्वाब के अंदर कि यार मैं तो ज़िंदा ही था जी तो आपने मुझे दफन कर दिया और फिर जो उसके वर शाह हैं वो कहते हैं यार हमें ना कब्र कुशाई करनी चाहिए किस लिए उनके जहन में आता है कि वाक़ता कहीं वो हमारा जो फ़ौजशुदा है जिसको हमने दफन किया है वो कौमे में हो और हमने उसको उसी हालत में दफन कर दिया तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुज़र के और एक अच्छा खासा वक्त गुजार के और बाहर डॉक्टरों के वो सारे प्रोसेस गुजर के हम के ये उसकी तदफीन करते हैं तो जब कभी मैत इस तरह से कहे तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो वाक़ता वहाँ पर ज़िंदा पड़ा हुआ है बल्कि इसका मतलब इसका कुछ मतलब तो ख़्वाब देखने वाले से है और कुछ का ताल्लुक उस मैत से है मैत से उसका तल्लुक ये है कि जब वो आकर कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ जी तो जिंदा कौन होता है कब्र में अल्लाह ताला शहदा को कहता है الله तकुलमय بل सबी अम्त ربهم कि वो जो शहदा हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़िंदा हैं युर्ज़ाक़ून उनको रिजक मिल रहा है तो गया कि जो फ़ौत शुदा ख़्वाब के अंदर आकर आपको बताया कि वो ज़िंदा है मतलब यह है कि वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ऊँचे मुक़ाम पर है अगर okay. कभी आपका फ़ौत शुदा वालद कोई भाई कोई बहन कोई वालदा कोई भी आकर आपको कहे कि मैं तो ज़िंदा हूँ तो आप परेशान ना हों, बल्कि आप खुश हो जाएँ कि अल्लाह ताला ने उसे ऊंचे मुकाम पर रखा है और दूसरा ये है कि फ़ौत शुदा का जी बोलना ये मुमकिन नहीं है तो अगर कोई ज़िंदा आदमी किसी फौज शुदा को इस तरह से बात करते हुए देखे जी तो इसका मतलब यह है कि एक नामुमकिन चीज़ उसके सामने मुमकिन हो रही है मुर्दा बोल रहा है बोल जब तो वो नहीं बोलता जी तो गया कि इस ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में कोई रुकावटें हैं कोई इसके कारोबार में अगर ये गैर शादीशुदा है इसकी शादी में कोई रुकावट होगी कारोबारी है तो इसके कारोबार में कोई रुकावट होगी बाफ़ा वो काम नामुमकिन होगा लेकिन ये ख्वाब देखने के बाद अल्लाह त वो नामुमकिन काम इनशा मुमकिन बना देगा ठीक ये ख़्वाब देखने वाले के लिए बहुत अच्छी इसमें खुशखबरी और बशारत है कि इन जिस मसले में भी कोई रुकावट है जी मुश्किल काम है लेकिन इनशाला वो पाया तकमील तक पहुँचेगा और एक बज़ दफ़ा कि वो किसी अजीज़ फौजशुदा को देखते हैं वो बोलता नहीं बिल्कुल खामोशी से खड़ा है आपके सामने वो खामोश है ज़िंदा हालत में लेकिन खामोश है।, है।, है बोला अच्छा। कुछ नहीं जी अब यहाँ पर वो आपसे कुछ मुतालबा कर रहा है यहाँ पर वो जिस जिंदा को मिला है ख़्वाब में उससे मुतालबा कर रहा है मुतालबा क्या है मेरी तरफ़ से सदका करो वो ख़ामोशी से हसरत के साथ आपकी तरफ देख रहा है उसकी खामोशी आपसे कुछ मुतालबा कर रही है कि आप मेरी तरफ़ से कुछ करें आप मेरे लिए दुआ करें आप मेरी तरफ़ से सदका खैरा करें जी और अगर आकर वो कोई बात करते हैं और वो कोई यानी कोई सिलसिला उसने शुरू किया हुआ था कोई उस्ताद है कोई मुदरस है, को है जी जी वो अपने भाई को जिंदा को मिलता है अपने बेटे को मिलता है तो वो आपसे ये कह रहा है कि जो मैंने काम जारी रखा था जो मैंने काम शुरू किया था वो उसको जारी रखो ठीक है उसके अंदर और तातुल नहीं आना चाहिए तो ये है अगर मुर्दा को मैत को ज़िंदा हालत में देखें इसकी मुख्तलिफ तवज़ तो ठीक है आगे पूछा कि ख़्वाब में अगर बैतुल्ला नज़र आए तो इसकी ताबीर क्या होगी बैतुल्ला को ख्वाब में देखने की ताबीर क्या हो सकती है बैतुल्ला का जब आदमी के सामने तस्करा हो जी जब ख़ास तौर पर अब हमारे तो यहाँ पर साइडों पर कपड़े भी ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि गुलाफ क़बा का कलर है तो देख देख कर इंसान को वही गुलाफ क़बा नज़र आता है तो बैतुल्ला को देखना ये बंद मोमिन की रूह की तस्किन है बंद मोमिन की आँखों का सुरूर है उसका दिल तड़पता है जब देखता है तो उसको सुकून मिलता है आंखें तरसती हैं जब उस बैतुल्ला को देखता है तो आंखों को अल्लाह जला बख्शता है आंखों को इत्मीनान बख्शता है तो बैतुल्ला को देखना बहुत खूबसूरत और ये बहुत ही अच्छी अलामत है गैर शादीशुदा अगर बैतुल्ला को देखे उसके शादी के इम्कान और बहुत अच्छी जगह पर शादी के इम्कान हैं इ जी अगर शादी है बे औलाद है और वो बैतुल्ला को देखे और बैतुल्ला में दाखिल भी हो जाए तो अल्लाह ताला उसको औलाद से नवाजेगा इन शाह और वो दीनदार औलाद होगी और अगर कोई ऐसा बंदा जो कारोबारी है वो बैतुल्ला को देखे तो इनशाला उसके कारोबार में खैर बरकत होगी और अगर यानि मजमू तौर पर जी बरकत का जो है ना वह नज़ूल है बैतुल्ला अच्छा बसा अवत बैतुल्ला को हम देखते हैं आ, वो बैतुल्ला मक् में नहीं है किसी और जगह पर अच्छा किसी और जगह पे है और उसके इर्द गिर्द लोग जमा हैं अब इसका मतलब यह है कि उस शहर वालों पर उस मुल्क वालों पर जिसमें वो देखा गया है और लोग उसके इर्द गिर्द जमाए हैं तो वहाँ पर वो बैतुल्ला जो है वो खैर बरकत की बहुत बड़ी अलामत बन के खड़ा है और उस मोहल्ले वालों पर जिसमें वो देखा गया है इलाके में देखा जिस गया। भी इलाके में देखा गया है किसी घर में देखा गया है किसी किसी भी जगह पे देखा गया है तो उस मोहल्ले और उस शहर वालों पर मजमू तौर पर कोई खैर बरकत नाजल होगी इनशा ठीक है ठीक है।, है तो ये बैतुल्ला को देखने की चंद जो है ना तोजीहत हैं और हकीकी ज़िंदगी में अल्लाह ताली ऐसे शख्स को जिसने बैतुल्ला देखा बार बार देखा अल्लाह तल उसको हकीीक़ी ज़िंदगी में भी इन शाह हज बैतुल्ला या उम्र की शादत नसीब फरमाएंगे माशा ये तो आपने अपना ही जिक्र कर दिया ना जिसने हकी ज़िंदगी में बार बार देखा माशा ऐसा यहाँ पर जब मैं ना कोई नौ दस साल का था जी हमारे उस्ताद हैं जिनसे मैं मैथ पढ़ा करता था तो उन्होंने कहा कि मैंने ना ख्वाब में देखा उस वक्त मैंने ख्वाब में देखा है कि आपने अरबी लिबास पहना हुआ है और बैतुल्ला में खड़े सुबहान अल्ला आज मुझे वो अपने उस्ताद जो मास्टर अशरफ़ साहब हैं उनका वो ख्वाब याद आ गया उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना और वो उसी वक़्त से कहते हैं मैं उम्मीद था कि आप जो है ना वो जाएंगे इंशाल्लाह अच्छा वो टेंथ की बात है उसके बाद मैंने टेंथ की उनसे और वो उसके बाद यानी पाँच छः साल बाद अल्लाह ताला ने मेरा दाखला जो है मुनवरा में कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब यानी जब आदमी देखता है और फिर दिल में तड़प उठती है तो अल्लाह ताला ज़रूर दीदार करो इन शाह ठीक है, है। सर आगे पूछा कि खाब में अगर किसी के दांत टूट जाए तो इसका क्या मतलब होता है ख़्वाब में दांत टूट जाए तो देखना होगा कि दांत टूटने की तकलीफ हुई है जी दांत टूटने पर कोई खून निकला है या फिर बसा अवकात दांत टूटते हैं उस वक़्त जब नीचे से और दांत निकल आते हैं जी जी तो मुख्तलिफ कैफियात में इसकी तवजी जो है वो मुख्तलिफ होगी अगर दांत टूटे हैं और साथ तकलीफ़ भी हुई है और दर्द भी है और ख़ून भी है तो इसका मतलब और दांत ख़ानदान है तो इसका मतलब अगर वो शादीशुदा है तो मियाँ बीवी के तल्ल जो है उन्हें देखने की ज़रूरत है अच्छा वहाँ पर दराड़ें पड़ रही हैं ख़ानदान में दराड़ें पड़ रही हैं जी तो अगर खून भी निकला है और वो दांत गिरे हैं और आपने फेंक भी दिए हैं तो इसका मतलब मामला जो है वो तलाक़ तक पहुंच चुका है अच्छा हालात ख़तरनाक हैं अगर तकलीफ़ नहीं हुई दांत टूटे हैं और वो हाथ में पकड़े हैं संभाल लिए इसका मतलब है कि मियाँ बीवी के दरमियान क्लैश चल रहा है इख्तलाफा चल रहे हैं जी और करीब था कि वो हालात तलाक तक पहुँच जाते लेकिन वो दांत गिरे हैं बग़ैर तकलीफ़ के और हाथ में संभाल लिए मतलब यह कि कोई दरमियान में आया है जिसने उनके मामला की सुलो करवा दी जी इस तरह का ख्वाब भी एक मेरे पास आया अच्छा वो कहने लगे कि दांत गिर गए हैं मैंने कहा मियाँ मियाँ बीवी के दरमियान कोई तल्ल वो कहते हैं ख़राब हैं जी मैंने कहा दांतों की कैफियत बताएं कैसे टूटे कहते टूटे हैं और वो तकलीफ नहीं हुई मैंने वो दांत अपनी अम्मी के हाथ में रख दिए मैंने कहा आपकी वालदा वो ऐसी सास नहीं है जैसा मशहूर किया जाता है जो कि बेटे के टिपिकल सास ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है अच्छा उसने कहा ये कैसे मैंने कहा आपने वो दांत टूटे भी हैं बगैर तकलीफ के टूटे हैं अपनी वालदा के हाथ में रख दिए जी तो आपकी वालदा आप मियाँ बीवी के सुलों का जरिया बनेगी उन्होंने कहा कि मेरी बीवी कितने महीनों से नाराज़ थी अपने घर में जा चुकी थी और बिल्कुल हम तो ये तैयार कर रहे थे कागजात लेकिन मेरी वालदा ने मुझे संभाला समझाया संभा, और मेरी वालदा के कह और ये ख्वाब की मैंने ताबीर बताई पाँच दिन बाद उस भाई का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया वापस आ चुकी हैं और हमारे मामला सुधर चुके हैं और जो वालदा के हाथ में मैंने वो दांत रखे थे ना जी तो उसी वालदा ने मामला को सुधारा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो चुकी है तो जब दांत टूटे ना और संभल जाएं आपने जेब में रख लिए आपने हाथ में रख लिए तो समझे मामला इन शह कंट्रोल में है और अगर कोई देखे कि उसके पूरे मुँह के दांत ख़त्म हो चुके बिल्कुल अपने आप को बगैर दांतों के देखता है जी तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है हाँ इसमें यह है कि उसकी तवील उम्री की तरफ इशारा है कि अच्छा। इन उसे लंबी उम्र जो है वो नसीब करेगा ठीक और अगर दांत मस दाई तरफ से टूटा है एक आधा बाई तरफ से टूट गया है तो फिर अगर दाई तरफ का टूटा है और वह साहब औलाद है तो बेटा है उसकी तरफ थोड़ी सी तोज्जो दे बाई तरफ वाला टूटा है तो बेटी है उसकी तरफ तोज्जो दे अगर वो बीमार हैं उनके इलाज मुआवालजे की तरफ तोज्जो दे बस यही है यानी मिली जुली कैफ़ीत है कुछ अच्छी हैं कुछ यानी वो जो ख़्वाब वाले की कैफियत और स्याक, सबाक है उससे पता चल जाता है आ, किसी भी ख्वाब की नौीयत जो है वो उसकी पूरी डिटेल पर डिपेंड करती है बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं ये नहीं है कि एक ही ख्वाब की तबीर सब के लिए हो सब के लिए अलहदा आलदा स्टेटस मैरिटल स्टेटस आपका जॉब आपका प्रोफेशन आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपके बच्चे आपकी बीवी आपके शौहर और आपके बच्चे आपकी उम्र आपका रहना सब कुछ इस पर डिपेंड करता सिर्फ है। एक इसमें कि दांत अगर आपके गिर गए और पीछे से दांत उगे हुए थे जी तो लाम हाल तौर पे जब नीचे से दांत उग आए तो ऊपर वाले ने तो गिरना ही है जी, तो यहाँ पर उस दांत के गिरने का कोई मसला ही नहीं है इसमें यह है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई चांस आपसे मिस हो रहा है कारोबारी हैं कोई और अगर प्रेगनेंट थी खातून कोई मिस कैरेज हो गया इस तरह का मामला तो अल्लाह ताला ने साथ ही मुतबादल दे दिया है नीचे से दांत जो है वो उग आया है गोया कि जो भी आपसे मामला या कोई ज़ाय होगा मसला दूसरे तो उसका मुतबादल अल्लाह ताला ने आपको खाब के अंदर ही दिखा दिया ऊपर के दांतों का और है नीचे के और है फ्रंट के और है पीछे के और है सारे मामला है जी ठीक है जी गुफ्तु तो जितनी तबील करते जाएंगे वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया तो इसके साथ ही मैं अपने दोनों मज़ुस मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा उमर शफकत साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ी बड़ा खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा अल्लाह आप आपको खैर तक और इनके साथ मौजूद रहे आशम यजमानी साहब यजमानी साहब हमारे मुस्तकिल साथी भी हैं हमारे मोहसिन भी हैं हमें सिखाते भी हैं और इन पर हमें हमेशा रश्क भी आता है सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया जजाक थैंक यू वेरी मच ले जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूँगा अपना और अपने प्यारों का जरूर ख्याल रखें इंशाला जल्द फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए नवीद निजामी और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ